हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। तो कैसे हो आप लोग? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया हो और अपनी स्टडी को बहुत ही मन धन तन से कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही लगन से कर रहे हो। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि अगर आप गेटवी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आखिरकार इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने से पहले, अगर वो स्टूडेंट जो कि गेटवी के एग्जाम के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहा है, तो मैं आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि गेटवी की एग्जाम होती है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के में एडमिशन लेने के लिए। और इसके साथ साथ क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ साथ आईआईटीज में एडमिशंस लेने का मौका मिलता है। और आपको तो पता ही होगा कि आईआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद आपको कितने सारे बेनिफिट्स और कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। साथ ही साथ स्टडी लेवल की बात करें तो टॉप एरिया का स्टडी बैकग्राउंड या एनवायरमेंट आपको मिलता है। साथ ही साथ एक और एक इंफॉर्मेशन कि अगर कभी आप आपके ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हो और आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो तो आपको मास्टर ऑफ साइंस या फिर हम बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है वहां पर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप पीएचडी का भी आगे के लिए सोच सकते हो। और एक अच्छा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एमएससी की ड्यूरेशन में फेलोशिप अलाउ करती है। वो फेलोशिप अमाउंट आपके एमएससी ड्यूरेशन में आपके लिए बेनिफिशियल एज अ पॉकेट मनी की तरह होता है, जो कि आप अपने एमएससी के ड्यूरेशन के अंदर अपने खुद के फंक्शनल के लिए कर सकते हो। तो मैंने आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो दे दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट बात आती है कि आप अगर इस एग्जाम को देने वाले हो तो आपकी नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन होना चाहिए, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है। कैटेगरी वाइज मतलब जनरल कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया अलाउ किया जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए उनके एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए बैचलर प्रोग्राम के अंदर 60% मार्क्स का होना इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपके 60% मार्क्स नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। और अगर कभी बात कर ले एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो फिर आपका यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा सा कम होने वाला है 50% का, कि 50% आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम में होने चाहिए तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। और अब बात कर लेते हैं कि सर अगर कभी हमारा उतना परसेंटेज क्राइटेरिया है तो हम जब अप्लाई करें तो हमारा क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया मीन्स यहां बताना चाहते हो कि अगर आपको स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो आपका बेसिक जो बीएससी का हिस्ट्री प्रोग्राम है या फिर हम बोल सकते हैं आपकी जो हिस्ट्री है जिससे कि आप अगले प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। कैसे? जैसे कि अगर आप वेटरनरी मास्टर वेटरनरी साइंस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास में बीएससी वेटरनरी साइंस की डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। मैं यहाँ पर एसटी एससी नहीं जनरल कैटेगरी का मान के चल रहा हूं कि आपको अप्रोक्सीमेट 60% अबाव मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात कर ले एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है मास्टर प्रोग्राम में तो आपका बीटेक होना चाहिए साथ ही साथ या तो फिर बीई की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड से। जो भी फील्ड के अंदर आपने बीटेक किया है उस फील्ड के अंदर अगर आप एमटेक करना चाहते हो गेटवी की मदद से तो आप कर सकते हो। अगर एमएससी करना है आपको अलाइड एरिया और एग्रीकल्चर एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में बीएससी का प्रोग्राम होना चाहिए।
तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि इलिजिबल क्राइटेरिया बताता है इस एग्जाम के लिए या इस एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए। बात कर ले एक इंफॉर्मेशन की कि अगर कभी आप किसी आईएफएस के कोर्स को लेते हो तो आपको क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर टॉप इंडिया एजुकेटर्स या इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम बात कर ले आपको यहाँ पर लाइव कोर्सेज के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाते हैं। इंटायर सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है, एक एक टॉपिक जो कि एग्जाम से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। बेस्ट स्टडी प्लान आपके लिए बनाया जाता है कि आप किस तरीके से इस प्लान को चलकर या इस प्लान के ऊपर अपने एफर्ट्स लगाकर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। टीचर के हैंडआउट्स के साथ साथ आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाता है। साथ ही साथ वीकली लाइव इंटरेक्शंस आपको मिलता है कि हमने जो वीक के अंदर पढ़ा है वो वीक के अंदर लास्ट में टोटल वीक का एक लाइव इंटरेक्शंस आपके साथ टीचर्स करते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं डेली के, जो भी लेक्चर्स आप करते हो उसके ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फ्री एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, 5 मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डिटेल रैंक एनालिसिस मिल जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्ट्रैटेजीज, वो सारी चीजें जो कि आपको आपके एग्जाम के अंदर मोटिवेटेड करती है इस एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर मिल जाती है। बट कोर्स की बात कर ले तो कोर्स के ऊपर, रिकॉर्डेड कोर्स के ऊपर यहाँ पर 30% का फ्लैट ऑफर है। इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए आपको यहाँ पर IFS30 एज अ कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। और ये आप IFS के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमारे ऐप के ऊपर जाकर आप इन सारी स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाइज इनकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो। और अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहां से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो थैंक यू, ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।